आदि पुरुष ट्रोलिंग, गलतियां ही गलतियां और फिर और भी ज्यादा ट्रोलिंग, ये चेन बन गई है प्रभास और ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष की। इस बार आदि पुरुष में कमियां ही नहीं बल्कि ढेर सारी गलतियां हैं, वो गलतियां जो जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। और अगर आप लोगों ने आदि पुरुष देखी है तो बॉस आपको तो एक अलग टाइप का सैल्यूट बनता ही है। एनीवे, तो हमने भी फिल्म देख ली है और निकाली है ढेरों गलतियां सिर्फ आपके लिए। तो गलती नंबर वन, हिरण्यकश्यप के बारे में सुना ही होगा आपने, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसके बनाए हुए किसी भी लिविंग बीइंग से उसकी मृत्यु ना हो सके, ना दिन में ना रात में, ना इंसान से, ना पशु से, ना असुर से, ना देवता से। अब आदि पुरुष के सो कॉल्ड मेकर्स ने इस हिरण्यकश्यप को रावण समझने की गलती कर दी है। फिल्म में लंकेश रावण को ब्रह्मा से इसी तरह का वरदान मिलता है, जिसके बाद रावण का घमंड काफी बढ़ जाता है, लेकिन फिल्म के एंड में रावण मारा जाता है। कैसे, क्यों राम ने किस तरह से रावण को मार दिया, इसका जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि मेकर्स ये बताना कहीं ना कहीं शायद भूल गए या फिर खुद भी नहीं जानते थे कि रावण ने जब ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था तो उसमें उन्होंने वानर और मनुष्य की बात नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने इंसान और वानर को काफी कमजोर समझ लिया था। इसलिए रामायण की लड़ाई में विष्णु जी ने राम भगवान का रूप धारण किया और हनुमान जी का सहारा लेकर रावण को मार गिराया। इनफैक्ट विभीषण हम सबके सब जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे रामायण का, ये तक हम लोगों को कहीं पर भी इस फिल्म में समझाया नहीं गया है। रावण के पास अमृत था जिसको वो अपनी नाभि में छुपा कर रखते थे, इसलिए जब भी उन पर हमला होता था वो उस अमृत को पीते थे और फिर से जिंदा हो जाते थे। इसलिए भगवान राम लास्ट में रावण की नाभि पर ही अटैक करते हैं जिससे उनका अमृत खत्म हो जाता है। और रावण का इतना बड़ा सीक्रेट राम को आखिर कैसे पता चला ये भी नहीं बताया गया। ऑफ कोर्स विभीषण ने बताया लेकिन मेकर्स ने हमें नहीं बताया। गलती नंबर दो, इंद्रजीत का जो कैरेक्टर दिखाया गया है फिल्म में, जिसको टैटू के साथ भरा हुआ है, सजाया गया है पूरी तरह से कि वो काफी मॉडर्न लग रहा है। बाय द वे भगवान राम से वो बोलता है, बहुत हुआ तेरा बंदर नाश, निकल यहां से। अब आपको नहीं पता तो बता दो कि आखिर इंद्रजीत नाम कैसे पड़ा था। मेघनाद इतना बड़ा वॉरियर था जिसने देवताओं के राजा इंद्र तक को हरा के कैद कर लिया था, उनको जीत लिया था, इतना पावरफुल जिसने सिर्फ एक दिन के अंदर ब्रह्मास्त्र का यूज करके 670 मिलियन वानर मार डाले थे कि उनकी एग्जिस्टेंस धरती पर खत्म होने तक पहुंच चुकी थी। ऐसे बड़े योद्धा को इन्होंने फिल्म में एकदम गवार दिखाया, जिसने राम भगवान को गाली तक दे दी। मेघनाथ के पास एक और शक्ति भी थी कि वो बादलों के पीछे से लड़ सकता था, जिसका यूज करके उन्होंने युद्ध में राम और लक्ष्मण को भी काफी हैरान कर दिया था। लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स ने तो यहाँ पर मेघनाथ को फ्लैश मोड में दिखा दिया है, मतलब हाइट्स। गलती नंबर तीन, रावण की सोने की लंका के बारे में हम सबको बचपन से पता है, ये लंका रावण के पास कैसे आई बहुत ही कम लोग जानते होंगे। एक्चुअली सोने की लंका कुबेर की थी, जो बहुत अमीर थे। कुबेर रिश्ते में रावण के सौतेले भाई लगते थे। कुबेर थे देवता और रावण की माँ थी राक्षसी, इसलिए अपनी माँ के कहने पर रावण और उनके असुर भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और कुबेर से उनकी लंका ले ली। अब फिल्म में सोने की लंका को कुछ और ही दिखाया गया है, अंदर कोयले की नगरी दिखा दी गई है, एकदम काली काली बर्बाद सी। इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि रावण ने कुबेर से लंका शौक के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन का एक बदला पूरा करने के लिए जीती थी। भाई मैनिपुलेशन की भी ना हद होती है, जो जैसा है उसे वैसा दिखाया इजीली जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। गलती नंबर चार से आपको एकता कपूर के सीरियल की याद जरूर आने वाली है, क्योंकि मेकर्स ने भी वहीं से इंस्पिरेशन ली है। शायद यही रीजन है कि इस फिल्म में विभीषण के साथ एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई, एकदम मॉडर्न सी, जो लो कट ब्लाउज पहनकर घूम रही है, मतलब सेक्सुअलाइज करने की भी हद होती है। क्लियरली एकता कपूर का सीरियल नागिन था इसकी इंस्पिरेशन। एनीवे, गलती नंबर पांच लगता है आदि पुरुष के मेकर्स ने जिस रामायण से अपनी रिसर्च की थी उसमें लक्ष्मण जी का कैरेक्टर था ही नहीं। वो लक्ष्मण जो अपने भाई के खिलाफ तक जाने के लिए एक बार तैयार हो गए थे जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया था, तो इन्हीं लक्ष्मण ने बोला था कि मेरी सीता मां समान है और इनके साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा तो मैं किसी के भी आगे खड़ा हो जाऊंगा। मतलब इस तरह का कैरेक्टर था लक्ष्मण का रामायण में, लेकिन इस फिल्म में ले लिया गया सनी सिंह को, जिनको गिनती के 3 से 4 डायलॉग्स तक ही सीमित रखा गया। गलती नंबर 6, भगवान राम का ये लुक हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं जानती हूँ कि ये बहुत लोगों को रास भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ भगवान राम कम बल्कि जीसस ज्यादा लग रहे थे। और ये भी एक रीजन था कि इस पर मीम्स बनने भी शुरू हो गए। मतलब श्री राम अयोध्या के होने वाले राजा थे, उनका मुकुट था, उनका एक पहनावा था जो लोगों को बहुत पसंद था, किसी भी तरह का कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया। गलती नंबर 7, रामायण का ये युद्ध था गुड वर्सेस ईविल के बीच में, जिसमें बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने आखिर हार ही जाती है।
लेकिन आदि पुरुष अगर आपने देखी है तो उसकी एंडिंग में ऐसा लगता है कि एवेंजर्स की कॉपी बनाने की कोशिश की गई है। माना कि तुम्हारा बजट 600 करोड़ रुपए का था, लेकिन कुछ भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर थोड़ी बना दोगे यार। यहीं से निकलती है गलती नंबर 8 भी। राम को रावण से ऐसे लड़ाई करते हुए दिखाया गया जैसे दो लड़के लिटरली सड़कों पर लड़ रहे होते हैं। मतलब एक तरफ भगवान श्री राम है जिनके किस्से हम सदियों तक याद रखेंगे, तो दूसरी तरफ इतने बड़े महापंडित रावण है, मतलब उनकी शक्ति ही अलग है। इतने बड़े नामों को आप इस तरह से लड़ा रहे हो कि वो राम भगवान को मार गिरा रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, वो हवा में उड़ते इधर गिरते उधर गिरते, किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दिखाई गई। गलती नंबर 9, जहां रामायण का युद्ध रात को अंधेरे में चल रहा है। थोड़ी रिसर्च अगर इन लोगों ने अच्छे से की होती तो इनको बेसिक चीज पता होती कि सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का युद्ध नहीं किया जाता था, फिर चाहे आप जीत के कितने मर्जी करीब क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन इन्होंने वो भी दिखा दिया। गलती नंबर 10, रावण के साथ चमकादर। सीरियसली, क्रिएटिविटी के नाम पर अगेन कुछ भी। रावण ने जब कुबेर को हराया था उनको एक पुष्पक विमान भी मिला था, और वो पुष्पक विमान इस तरह का था जिससे असुर देवता हर कोई मतलब जलता था, इतना बढ़िया विमान था। लेकिन यहाँ पर रावण ट्रैवल करते हैं एक चमकादर के ऊपर। गलती नंबर 11 भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, जहां एक सीन में रावण इस अजीब से प्राणी को मीट खिला रहा है, जब वो खुद ब्राह्मण था, इतना बड़ा शिव भक्त था, और भगवान शिव तो खुद जानवरों की रक्षा करते थे और वो हर जीव जंतु से बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर उन्हीं के भक्त ये चीज खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगेन कुछ भी करवाया जा रहा है इस फिल्म के अंदर। गलती नंबर 12, जब फिल्म में सीता हरण का सीन आता है तो दिखाया जाता है कि जब रावण सीता को लेके जा रहा है तो राम और लक्ष्मण दूर से बस देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राम इतने कमजोर कैसे हो गए भाई कि उनके सामने उनकी बीवी को कोई लेके जा रहा है और वो कोशिश भी नहीं कर रहे उनको बचाने की, मतलब कहानी पूरी तरह से बदल दी गई। गलती नंबर 13, रामायण में जटायु का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम सबको पता है, उनके थ्रू ही कहीं ना कहीं पता चला था कि रावण सीता को पुष्पक में लेकर गए हैं। जटायु वाज अ वल्चर, बच्चों को तक ये बात पता है, लेकिन यहाँ पर जटायु को ईगल बना दिया गया, और दूसरी बात, भगवान राम से बात करने से पहले जटायु को मार भी दिया गया। बल्कि असल बात तो ये थी कि जटायु ने ही राम को दिशा दिखाई थी कि किस तरफ सीता गई है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान राम जटायु को स्वस्थ करना चाहते थे, लेकिन जटायु ने ही खुद कहा था कि उन्होंने अपने प्राण बस भगवान राम के लास्ट दर्शन के लिए बचाए हुए थे और फिर उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया था। गलती नंबर 14, रावण में लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन वो किसी का भी नौकर नहीं था यार, वो राजा था बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों की सेना उनकी खुद की तैयार खड़ी रहती थी। फिल्म में एक सीन में जिसमें रावण को नौकर की तरह वेल्डिंग करते हुए दिखाया है, बेचारे के पास मसाज तक करवाने के लिए नौकर नहीं है, इसलिए कार्टून वाले सांप से अपनी मसाज करवा रहा है, मतलब अगेन कुछ भी। गलती नंबर 15, सीता माता की प्योरिटी को आज भी पूजा जाता है और उनका एग्जाम्पल तो पीढ़ियों तक चलता ही रहेगा, खुद अग्नि देवता तक उनके आगे झुक गए थे। इस फिल्म में इसी लेडी के ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि रिवीलिंग कपड़े पहनाए गए, ग्लैमर के नाम पर कुछ भी दिखाया गया। इन चीजों में मेकर्स को डेफिनेटली थोड़ा बहुत केयरफुल तो जरूर होना चाहिए था। गलती नंबर 16, फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग था कि भारत की बेटी है सीता, उस जमाने में भारत का जिक्र कैसे हो सकता है। भारत शब्द हमें राजा भारत के नाम पर मिला था, जो रामायण के टाइम पर तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं थे। अब इसी बिना सेंस वाले डायलॉग की वजह से नेपाल में फिल्म को बैन तक कर दिया गया है। गलती नंबर 17, श्री राम का गुस्सा। टीजर रिलीज के टाइम से ही लोगों को ये गलती बहुत बड़ी लगी थी, लोगों ने तब भी बहुत हंगामा किया था। प्रभास कैसे हर सीन में गुस्से का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी गुस्से को बाद में छुपाने के लिए जबरदस्ती मेकर्स ने ब्लैक सी स्क्रीन दिखानी शुरू कर दी उनके पीछे, ताकि उनकी शक्ल पर वो गुस्सा ना दिखे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें गुस्सा नहीं आता था हर बात पर इस तरह से, और ये हम सबको बचपन से बताया गया है। इस फिल्म में एक सीन भी ऐसा नहीं है जहां पर भगवान राम के चेहरे पर सच में प्यारी सी स्माइल दिखी हो। गलती 18 भी ऐसी ही है, प्रभास का स्टारडम। बाहुबली के बाद से वो बहुत बड़ा नाम बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो उनका भगवान राम के लिए ऑडिशन ले लेते, क्योंकि अगर लेते तो उनकी कास्टिंग बिल्कुल ना करते। गलती नंबर 19 है, रावण के 10 सर। मतलब इतने ताकतवर रावण जिनके सरों को देखकर कहते हैं कि उस टाइम असुर देवता हर कोई डर जाता था, और यहां पर तो उनका मजाक ही बन गया। जिस तरह से VFX का काम किया गया है रावण के 10 सर बनाने में, वो बेवकूफ से कम नहीं लग रहा। गलती नंबर 20 ये एक ऐसी गलती है जिस पर मेकर्स और फिल्म को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है अभी भी, वो है हनुमान जी के डायलॉग्स। यहां तो सच में गुस्सा दिलाने वाला काम कर दिया है राइटर्स और डायरेक्टर ने, तेरे बाप की जलेगी मैं सबकी लंका लगा दूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा लगता है कि कोई मवाली ऐसी लाइंस बोल रहा है। अगेन हनुमान जी की पूजा करते हैं यार लोग, सबसे इतना प्यार करने वाले हनुमान जी इस तरह की लाइंस बोल रहे हैं इस फिल्म में। सैफ अली खान का स्पाइक्स हेयर कट हो, हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता है कि रामानंद सागर के टाइम में हनुमान जी ज्यादा ऑथेंटिक और रियलिस्टिक लगते थे, और
और इस तरह से नहीं लगता था कि उन्होंने मुंह में बस हवा ही घुसाई हुई है, जो इस फिल्म में क्लियरली दिखाई देती है। फिल्म में तो ये भी दिखाया गया है कि ऐसा युद्ध भूमि पर सीता माता भी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वही हनुमान जी का ग्रीट करने वाला जेस्चर भी इस बार कुछ समझ नहीं आया है। इसके अलावा कंटिन्यूटी मिस्टेक्स भी बहुत सारी है इस फिल्म में। इन ऑल अगर हम बात करें ना, तो 25 से 30 गलतियां इस फिल्म में आसानी से किसी को भी दिखाई दे सकती है। यूजुअली कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी में मिस्टेक्स निकालते हैं या वीएफएक्स से जुड़ी कमियां निकालते हैं। लेकिन आदि पुरुष शायद पहली ऐसी फिल्म होगी आज तक की जिसमें हम स्टोरी लाइन में ही गलतियां निकालने पर मजबूर हो चुके हैं। 600 करोड़ को किस तरह से बहाया जाता है, ये कोई इस फिल्म के मेकर से सीखे। शायद अगर इन्होंने इस फिल्म को एक दो साल और दे दिए होते या थोड़ी सी और अच्छी तरह से रिसर्च कर ली होती, तो आदि पुरुष इतना बड़ा ब्लंडर ना बनती जितना बड़ा ब्लंडर फिलहाल बन गई है। एनीवे, क्या आप लोगों ने आदि पुरुष देखी है? अगर हां तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना इनमें से कितनी गलतियां आप लोगों ने भी पकड़ी और कितनी गलतियां आपको अभी अभी पता चली है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बॉस शेयर करना तो जरूर बनता है। और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े अपडेट के लिए, मूवीज रिव्यूज के लिए, वेब सीरीज रिव्यूज के लिए, इंटरव्यूज के लिए, हर चीज के लिए देखते रहिए ENT Live।